हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। सबसे महत्वपूर्ण है ये बायोडाइवर्सिटी। सबसे लंबा चैप्टर है आपके क्लास नाइन्थ का बायोलॉजी के हिसाब से। बायोलॉजी क्या, सभी चैप्टर्स में सबसे लंबा है बायोडाइवर्सिटी। तो उसे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। देखिए, आपने कभी जरूर ये सुना होगा या कोई जो सीनियर आपके नाइन्थ से पास हुए होंगे कि बायोडाइवर्सिटी बड़ा खतरनाक सा चैप्टर है, समझ में नहीं आता है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, आराम से सारी बातें समझ में आएंगी। सब कुछ बस ध्यान से लेक्चर को देखना है, नोट बनाना है और प्यार से सुनना है, एकदम बढ़िया से सब चीज़ समझ में आएगा। कुछ है नहीं, थोड़ा सा मेमोरी है, थोड़ा सा नहीं बहुत सा मेमोरी है, थोड़ा याद करना पड़ेगा, लेकिन बाकी कोई चीज़ें भयंकर नहीं है। तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी पे बात करना शुरू करेंगे, आप सारी बातें करेंगे। फर्स्ट क्लास है आज। इससे पहले हम लोगों ने नाइन्थ बायोलॉजी में से सेल और टिश्यू कंप्लीट कर लिया था, तो आई होप आपको वो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट हो उसमें तो आपको पता ही है कि डाउट सॉल्व करना है, कुछ भी दिक्कत हो तो। और आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी शुरू कर रहे हैं, तो आज से कंटिन्यूस लेक्चर देखना है, रेगुलर फिर लेक्चर आता जाएगा। लंबा सा चैप्टर है, बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे हम लोग करेंगे। ओके, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सभी घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी पहले इस वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स लिविंग ऑन द अर्थ, या किसी पार्टिकुलर रीजन में कितने ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, वो उसकी बायोडाइवर्सिटी है। जैसे एक बात बताइए, आपका घर है, आप कहते हो ये मेरा घर है, लेकिन क्या उस घर में आप ही रहते हो? नहीं सर, मम्मी पापा भी रहते हैं। वो नहीं भाई, क्या ह्यूमंस ही रहते हैं घर में? नहीं, यहाँ पर हम स्पीसीज की बात करेंगे। इन्हें कि सर हम रहते हैं, छोटा भाई बहन है, मम्मी पापा है, दादा दादी है, चाचा चाचा, वो सब नहीं, वो सब ह्यूमन है। आपके घर में देखो मच्छर भी उड़ रहा है, गिरगिट भी घूम रहा है, लिजार्ड भी है, कॉकरोच भी घूम रहा है, मेढक भी किसी कोना में रहता होगा, चूहा भी रहता होगा, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके घर में हैं। तो वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके घर में हैं, वो आपके घर की बायोडाइवर्सिटी है। कितने वैरायटीज ऑफ लाइफ, कितने वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी पार्टिकुलर रीजन में, किसी पार्टिकुलर हैबिटेट में, कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, वही बनाता है उसकी बायोडाइवर्सिटी। एक पेड़ को देखिए, पेड़ पर कितने सारे जीव रहते हैं, तो हम कहेंगे कि पेड़ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। नहीं, एक पेड़ पर बहुत सारे जीव रहते हैं। आप एक डिजर्ट में चले जाइए, डिजर्ट में भी बायोडाइवर्सिटी है, वहां पे भी कैमल है, कैक्टस है, कितने सारे रेप्टाइल्स हैं जो डिजर्ट में पाए जाते हैं, डिजर्ट में बहुत सारे रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। तो कितने सारे जीव है, तो कितने वैरायटीज ऑफ लाइफ किसी पार्टिकुलर रीजन में, किसी पार्टिकुलर हैबिटेट में है, वो उसकी बायोडाइवर्सिटी है। समझ गए? अगर पूरे इंडिया को एक रीजन लिया जाए, तो आप रीजन तो आप अपने हिसाब से लोगे ना, पूरे इंडिया को एक रीजन ले लो तो इंडिया का बायोडाइवर्सिटी मिलेगा आपको। मेरे घर का को रीजन ले लो, मेरे घर के दूर में देखो तो मेरे घर का बायोडाइवर्सिटी है। एक पेड़ ले लो तो वो पेड़ की बायोडाइवर्सिटी है। एक पोखर ले लो, तालाब ले लो, तो उसकी बायोडाइवर्सिटी है। समझ रहे हो ना बात? तो किसी पार्टिकुलर रीजन में, किसी पार्टिकुलर हैबिटेट में कितने वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, वही उसकी बायोडाइवर्सिटी है। बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटीज, वैरायटीज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल, जंगल की बायोडाइवर्सिटी जबरदस्त होती है, उसमें बहुत सारे जीव रहते हैं। डिजर्ट की बायोडाइवर्सिटी उसकी तुलना में कम होती है। फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। डिजर्ट की बायोडाइवर्सिटी उसकी तुलना में कम होगी। समझ गए? और कोई भी हैबिटेट जिसकी बायोडाइवर्सिटी जितनी अच्छी होती है, उसे उतना बेटर माना जाता है, कहा जाता है कि वहां लिविंग कंडीशन अच्छा, तब ना बायोडाइवर्सिटी अधिक है। नहीं, एक कंक्रीट का घर बना दो और उसके जगह पे एक फूस का घर बनाओ, फूस का घर ज्यादा बायोडाइवर्स होता है एज कंपेयर टू कंक्रीट का घर। आपके घर के तुलना में आपके बरामदे पे या आपके मोहल्ले में लगा एक पेड़ ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है वहां पे। आपके घर में ह्यूमन रह रहा है, 10-20 ऑर्गेनिज्म रहते होंगे, पेड़ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, भूत प्रेत भी रहता होगा। नहीं, वो बायोडाइवर्सिटी भी नहीं लेना है ना, भूत प्रेत भी रहता है सर, तो वो भी लाइफ था। अरे वो लाइफ नहीं है, समझ रहे हो ना, भूत प्रेत मत ले आना। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
जो पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटीज। आई होप आपको समझ में आया होगा इस वर्ड का डेफिनेशन। और देखिए आपके नोट में लिखा गया है कि द वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स लिविंग ऑन द अर्थ आर कॉल्ड इट्स बायोडाइवर्सिटी। यानी कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जितने सारे वैरायटीज ऑफ लाइफ है वो उसकी बायोडाइवर्सिटी, अर्थ की बायोडाइवर्सिटी। समझ गए, ये जो वर्ड है बायोडाइवर्सिटी, ये क्वाइंड किया था, ये वर्ड दुनिया को दिया था वाल्टर जी रोजेन ने। वाल्टर जी रोजेन ने ये वर्ड क्वाइंड किया, ये जो वर्ड है बायोडाइवर्सिटी वो क्वाइंड किया वाल्टर जी रोजेन ने 1985 में। कितने में? 1985 में ये वर्ड जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्वाइंड किया वाल्टर जी रोजेन ने। अगर दुनिया के हिसाब से देखें तो आपने सुना होगा कि अमेजन फॉरेस्ट आर द मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन ऑन दिस अर्थ। जो अमेजन फॉरेस्ट का नाम सुना है, अमेजन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वो इस पृथ्वी का सबसे अधिक बायोडाइवर्स रीजन है। यानी वहां सबसे अधिक वैरायटीज ऑफ लाइफ एक साथ है, अमेजन फॉरेस्ट। अगर हमारे देश भारत की बात करें तो इंडिया इज द 12th मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है उनमें इंडिया का स्थान 12वां है बायोडाइवर्सिटी के मामले में। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो हमारे इंडिया में ही मौजूद है, कहीं और नहीं है। बहुत से ऐसे हैं जो हमारे इंडिया में नहीं मौजूद है। कई ऐसे स्पीसीज होते हैं जो किसी देश की खासियत होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है, हमारे देश का टाइगर है, टाइगर हमारे देश में पाए जाते हैं मोस्टली, तो न्यूजीलैंड में कीवी पाया जाता था पहले। तो बायो, तो इंडिया का अगर देखें हम तो इंडिया वर्ल्ड का 12th मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री है, यानी 12वें नंबर पे आएगा ये। और कोई पूछे कि वर्ल्ड का सबसे अधिक बायोडाइवर्स रीजन कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? अमेजन फॉरेस्ट्स। अमेजन फॉरेस्ट आर द मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन ऑफ दिस अर्थ। समझ गए, वहां की बायोडाइवर्सिटी खतरनाक है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, बहुत सारे वेरिएशन दिखता है साइज से लेके। एक तरफ अमीबा है, एक तरफ ब्लू व्हेल। अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक तरफ ब्लू व्हेल। सोचो कितना साइज में वेरिएशन है। एक तरफ हाथी, एक तरफ चींटी है, एक तरफ डायनासोर है, एक तरफ गिरगिट है। हाँ, गिरगिट भी डायनासोर जैसा ही दिखता है, कुपोषण वाला डायनासोर, ठीक है ना, वो मत सोचना। तो मतलब वो डाइवर मतलब कि मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे को एग्जिस्ट करते हैं उनमें ग्रेट वेरिएशंस है इन द साइज में, उनके हैबिटेट में, सब चीज में। तो वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है, फिर उनका हम सारे के बारे में स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, उनको ग्रुपिंग करेंगे, उनको बंटवारा करेंगे, सब चीज देखेंगे। इस चैप्टर में यही पढ़ना ही है। सोचिए एक ऐसा चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आप पूरे अर्थ के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं, पूरे अर्थ में कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका कैसे बंटवारा होता है, सारी चीजें बड़ा इंटरेस्टिंग है। बस थोड़ा सा याद करना पड़ता है, लेकिन तो समझ में पूरी बातें आएंगी। ठीक है, चलिए उस पे जाने से पहले एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग रीजन में एक ही स्पीसीज को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। नहीं, अब आपको यहां हम लोग कहते हैं प्याज, कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं प्याज, गांव घर में चले जाओ प्याज, नहीं कहीं और अंग्रेजी में ऑनियन, किसी और इंग्लिश में कुछ और वर्ड होता होगा। आप इधर चले जाओ महाराष्ट्र सब की तरफ चले जाओ तो कांदा बोलता है उसको। तो एक ही स्पीसीज के अलग अलग नाम है, नहीं एक ही स्पीसीज के अलग अलग नाम है। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में देखें तो एक ही स्पीसीज का अगर अलग अलग नाम होगा तो सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बायोलॉजी ने कहा कि देखो ये सब नहीं चलेगा भाई, हर एक स्पीसीज का एक पार्टिकुलर नेम होगा, एक सर्टेन नेम होगा, और वो नेम दिया जाएगा साइंटिफिक मेथड से, और एक प्रोसेस के द्वारा दिया जाएगा, एक तरीके से दिया जाएगा जिसे कहेंगे साइंटिफिक नेमिंग। क्योंकि अगर अगर मान लो कि हमें सारे वर्ल्ड के ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना है तो पहले एक नाम होना चाहिए ना, तब ना हम कहेंगे कि ये देखो जैसे ह्यूमन है, हम लोग कहते हैं मनुष्य, ह्यूमन, आदमी, सारी बातें। एक वर्ड बायोलॉजी ने दिया होमोसेपियंस। ये होमोसेपियंस वर्ड आप इंडिया में यूज करो, ऑस्ट्रेलिया में यूज करो, इंग्लैंड में यूज करो, अमेरिका में यूज करो, होमोसेपियंस सुनते ही लोग समझ जाएगा ह्यूमन। तो यह है साइंटिफिक नेमिंग।
समझ गए ये क्या है, साइंटिफिक नेमिंग। तो देखिए नोट में लिखा है कि इन डिफरेंट रीजंस सेम स्पीसीज हैज डिफरेंट नेम्स। अरे एक ही स्पीसीज के अलग अलग नेम्स हैं। सो टैक्सोनोमिस्ट प्रोवाइड अ साइंटिफिक नेम फॉर ईच स्पीसीज। इसलिए जो टैक्सोनोमिस्ट थे, टैक्सोनोमिस्ट मतलब टैक्सोनोमी पढ़ने वाले, टैक्सोनोमी पढ़ाने वाले, टैक्सोनोमी जानने वाले, तो जो टैक्सोनोमिस्ट थे उन्होंने हर एक स्पीसीज को एक एक नाम दे दिया। क्या कर दिया, एक एक नाम दे दिया, जिसे कहा गया साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम। और ये जो मेथड है बायोलॉजिकल नेमिंग का, वो दुनिया को इंट्रोड्यूस किया कार्ल लिनियस ने 18th सेंचुरी में। कार्ल लिनियस साइंटिस्ट का नाम था, याद रखिएगा, कार्ल लिनियस ने ये मेथड इंट्रोड्यूस किया। तो अब नाम रखना है पूरे दुनिया में स्पीसीज का, तो इसके लिए बायोलॉजी ने क्या किया, एक ब्रांच बना दिया, जिस ब्रांच का नाम है टैक्सोनोमी। टैक्सोनोमी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जो डील करता है ऑर्गेनिम्स के आइडेंटिफिकेशन, यानी नए नए ऑर्गेनिम्स का पता लगाता है। जैसे आप न्यूज में पढ़ते होंगे कि समुंदर में एक नया तरह का जीव देखा गया, तो वो नया तरह का जीव कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका क्या नाम होगा, ये सारा काम कौन करता है, टैक्सोनोमिस्ट करते हैं। तो टैक्सोनोमी क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिम्स। यानी बायोलॉजी का वो ब्रांच जो ऑर्गेनिम्स को आइडेंटिफाई करता है, क्लासिफाई करता है, बंटवारा करता है। बहुत सारे ऑर्गेनिम्स है ना, सबको अलग अलग पढ़ना तो संभव नहीं है, तो क्लासिफिकेशन करते हैं हम उसका, तो उसका क्लासिफिकेशन करता है और उसको नेम देता है। ये जो काम करता है बायोलॉजी का ब्रांच, उसी को कहा जाता है क्या, टैक्सोनोमी। समझ में आ गया, नोट में डिफिनेशन भी लिखा हुआ है। और ये जो साइंटिफिक नेमिंग का जो मेथड है वो डेवलप किया कार्ल लिनियस ने 18th सेंचुरी में। उन्होंने कहा कि जितने भी स्पीसीज हैं सबको एक साइंटिफिक नेम दो, और साइंटिफिक नेम में दो वर्ड्स होंगे। कितने वर्ड्स होंगे, दो वर्ड्स होंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप साइंटिफिक नेम देखो, उसमें दो वर्ड्स होते हैं। जैसे हम लिखते हैं होमो, अगर मैं ह्यूमन का साइंटिफिक नेम लिखूं तो क्या होगा, होमो होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, ऐसे लिखा जाता है। देखो दो नाम है, हर एक ऑर्गेनिज्म के नेम के दो अक्षर, दो वर्ड से कोई भी नेम लिखा जाएगा। जो ये पहला वर्ड है, ये जो आपका पहला वर्ड है, ये पहला वर्ड, दिस इज कॉल्ड जेनेरिक एपिथेट, दिस इज कॉल्ड जेनेरिक एपिथेट। एंड द सेकेंड वर्ड, दिस वर्ड इज कॉल्ड स्पेसिफिक एपिथेट। कार्ल लिनियस ने कहा कि सभी ऑर्गेनिम्स का जो नाम होगा उसमें कितने वर्ड्स होंगे, दो वर्ड्स होंगे। जो पहला वर्ड होगा वो कहलाएगा जेनेरिक एपिथेट, और जो सेकेंड वर्ड होगा वो कहलाएगा स्पेसिफिक एपिथेट। ये जो जेनेरिक एपिथेट है ये आएगा जेनस से, ये आएगा किससे, जेनस से। अब आप लोग, सर जेनस क्या होता है, जब हायरार्की पढ़ेंगे हम लोग तो जेनस समझेंगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके एंसेस्टर के कौन थे, जो कॉमन एंसेस्टर वाले होते हैं ना उसे हम कहते हैं जेनस। जैसे घोड़ा और गधा, घोड़ा एंड गधा, ये दोनों जो है हॉर्स एंड एस, ये दोनों सेम जेनस के, यानी दोनों के एंसेस्टर माना जाता है कि कॉमन है। पढ़ेंगे हम लोग हायरार्की जब पढ़ेंगे, धीरे 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 कुछ कुछ चीजें थोड़ा धीरे धीरे आएंगी। तो जेनेरिक एपिथेट आता है जेनस से, तो आप देखोगे हॉर्स का और एस का दोनों का जो जेनेरिक एपिथेट होगा वो सेम होगा, क्योंकि दोनों का जेनस सेम है। समझ के बाद, और ये जो सेपियंस है ये है, ये आता है स्पीसीज से, ये यूनिक नेम होता है। ये किससे आता है, स्पीसीज से आता है, जो स्पीसीज होता है उससे आता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसका जो साइंटिफिक नेम होता है उसमें कितने वर्ड्स होते हैं बाबू, दो वर्ड्स। ये मेथड किसने दिया, कार्ल लिनियस ने, कब, 18th सेंचुरी में। और उन्होंने क्या कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म के नेम के दो अक्षर होंगे, द फर्स्ट अक्षर जो होगा, फर्स्ट वर्ड इज कॉल्ड होमो, फर्स्ट वर्ड इज कॉल्ड जेनेरिक एपिथेट which comes from genus, and the second word is called specific epithet which comes from species. समझ गए, तो देखिए ना आपके नोट में लिखा हुआ है
कि ईच साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स. फर्स्ट द फर्स्ट वर्ड इज कॉल्ड जेनरिक एपिथेट व्हिच कम्स फ्रॉम जेनस एंड द सेकेंड वर्ड इज कॉल्ड स्पेसिफिक एपिथेट व्हिच कम्स फ्रॉम द स्पीसीज. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होता है वो हमेशा इटैलिक फॉन्ट में लिखना चाहिए. इटैलिक फॉन्ट जानते हो ना, कंप्यूटर चलाए होंगे जिसमें कर्सिव राइटिंग जिसको कहते हो आप, इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाता है हमेशा. और अगर यहां तो मैंने नहीं लिखा इटैलिक फॉन्ट में, तो अगर आप इटैलिक फॉन्ट में नहीं लिखते हो तो जनरल में लिखो और उसको अंडरलाइन कर दो. उसको क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो. साइंटिफिक नेमिंग का ये मेथड है, या तो उसे इटैलिक फॉन्ट में लिखो, या तो उसे क्या करो इटैलिक फॉन्ट में लिखो, या जनरल फॉन्ट में ही लिखते हो तो जनरल फॉन्ट में ही लिखो, लेकिन उसे क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो. तो वो बताएगा कि ये बायोलॉजिकल नेम. तो बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम लिखने के लिए दोनों वर्ड्स, पहले हम जेनरिक एपिथेट लिखेंगे, फिर हम स्पेसिफिक एपिथेट लिखेंगे, और फिर उसे अंडरलाइन कर देंगे. क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे. और अंडरलाइन करते वक्त ये नहीं कि इससे मिला देना, ना 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 बुआ ना रे, सेपरेटली. जेनरिक एपिथेट में अलग लाइन अंडरलाइन, और स्पेसिफिक एपिथेट में अलग अंडरलाइन. इन्हें लगातार खींच देना, सर बीच में कौन पेन उठाएगा, मार देते हैं एक बार में, ये नहीं, अलग अलग. समझ गए. देखिए लिखा हुआ है कि साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज रिटेन इन इटैलिक फॉन्ट. इफ नेम इज रिटेन बाय हैंड, हाथ से लिखते हो, देन द जेनरिक एपिथेट एंड स्पेसिफिक एपिथेट हैड टू बी अंडरलाइंड सेपरेटली. सेपरेटली अलग अलग, अलग अलग अंडरलाइन करना है, मार देना मत एक बार में. ठीक है, और याद रखना कि जो जेनरिक एपिथेट होगा, यहां पर मैंने भी ये गलती की है, जो जेनरिक एपिथेट होगा वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, लेकिन जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से. इन्हें जो होमो, यहां मैंने लिख दिया था जैसे एस बी कैपिटल स्मॉल कैपिटल लिख दिया था, नहीं, होमो में एच कैपिटल होगा, सेपियंस में फिर एस स्मॉल हो जाएगा. समझ गए, यानी कि वर्ड जो जेनरिक एपिथेट होगा वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर्स. तो ये कुछ रूल्स हैं, आई होप आपको समझ में आया हो. क्या क्या देखा हमने आज, हमने देखा बायोडाइवर्सिटी क्या है, वैराइटीज ऑफ लाइफ प्रेजेंट इन अ रीजन और लोकेशन और हैबिटेट इज इट्स बायोडाइवर्सिटी. टैक्सोनॉमी क्या है, बायोलॉजी का वो ब्रांच जो डील करता है आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का पता लगाना, उसको क्लासिफाई करना, किस ग्रुप में डालेंगे, एनिमल है कि प्लांट है, एनिमल है तो कैसा प्लांट है, वर्टिब्रेट्स है इनवर्टिब्रेट्स है, कोस किस फाइलम में जाएगा, सारी बातें हम लोग करेंगे. टैक्सोनॉमी वही काम करता है और उसे नेम देने का काम करता है. नेमिंग का जो मेथड है वो कार्ल लिनियस ने दिया 18th सेंचुरी में, जिसमें उन्होंने कहा कि हर एक नेम के दो वर्ड्स होंगे, एक जेनरिक एपिथेट एक स्पेसिफिक एपिथेट. जेनरिक एपिथेट जेनस से आएगा, ये जेनस हम हायरार्की में स्टडी करेंगे, बस दो तीन लेक्चर के बाद आ ही जाएगा. और सेपियंस आएगा मतलब स्पेसिफिक एपिथेट आएगा स्पीसीज के नेम से. नाम हमेशा इटैलिक फॉन्ट में लिखना है, अगर हैंड से लिख रहे हो इटैलिक फॉन्ट नहीं लिख सकते तो जेनरिक एपिथेट स्पेसिफिक एपिथेट को अलग अलग लिख दो और सेपरेटली अंडरलाइन कर दो. और जेनरिक एपिथेट हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से. तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा. देखिए आपके नोट में पूरा एक सीट दिया गया है सारे ऑर्गेनिज्म्स के साइंटिफिक नेम का, पी प्लांट, पाइजम सेटाइवम, मैंगो, मैग्निफेरा इंडिका, राइस, ऑर्जिया सेटाइवा. देखिए सारा सारा कुछ लिखा हुआ है कि क्या है नहीं है, अभी मैंने तुरंत आपसे बात की थी. अब देखिए आप, मैंने क्या कहा था, जेनस सेम होगा, जेनस सेम होगा तो क्या होगा, जेनरिक एपिथेट सेम होगा. अब देखो जो लाइन है, जो लाइन है उसे कहा जाता है पेंथेरा लियो. पेंथेरा लियो बायोलॉजिकल नेम अगर देखो आप, उसे कहते हैं पेंथेरा लियो लाइन का. और हम टाइगर को कहते हैं पेंथेरा टिग्रिस. तो देखिए लाइन में भी पेंथेरा और टाइगर में भी पेंथेरा, दोनों का जेनरिक एपिथेट क्या है, सेम है. देखिए आपके सीट में है, दोनों का जेनरिक एपिथेट सेम है, मतलब दोनों के जो एंसेस्टर थे वो कॉमन थे, दोनों का जेनस सेम है. एंसेस्टर समझते हो ना, पूर्वज जहां से उनका इवोल्यूशन हुआ. अरे बायोलॉजी कहता है, चार्ल्स डार्विन ने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म से ही नया ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे डेवलप होता है. तो अगर दोनों का एंसेस्टर कॉमन थे तो कहेंगे कि दोनों सेम जेनस से थे. समझ गए. तो देखिए पेंथेरा लियो, पेंथेरा टिग्रिस. फिर उसके बाद आप देखोगे अगर लियोपॉड का देखोगे तो वो भी पेंथेरा से ही आता है. तो सारे के सारे जितने भी जिनके जेनस सेम होंगे उनका जेनरिक एपिथेट सेम होगा, जिनके जेनस सेम होंगे उनका जेनरिक एपिथेट क्या होगा, सेम होगा. आई होप आपको समझ में आया होगा. सीट में पूरा का पूरा लिखा हुआ है जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जिनका की साइंटिफिक नेमिंग आपको याद रखना है.
आई होप आपको सारी बातें समझ में आऊंगी आज के क्लास में। इंट्रोडक्शन लेक्चर था आज के क्लास में, हमने बायोडाइवर्सिटी समझा, टैक्सोनॉमी क्या है ये समझा, साइंटिफिक नेमिंग कैसे होता है हमने वो समझा, समझ गए। अब आपको कहे सर कई ऐसे भी बायोलॉजिकल नेम होते हैं जिनमें तीन वर्ड भी होता है। हाँ, कई बार तीन वर्ड्स भी होते हैं, सब स्पीसीज भी कई बार लिखा जाता है, क्योंकि कई ऐसे स्पीसीज है ना, जैसे डॉग है तो डॉग दो तरह के होते हैं, एक जंगली वाला और एक घर में जो पालते हैं उसे, तो वो भी कई बार सब स्पीसीज भी कई बार इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब वो आएगा तो मैं वो सारी बातें मेंशन करते चलूंगा। जो अभी मैंने बताया वो जो नेमिंग का मेथड है जो कार्ल लिनियस ने दिया, वो आपको याद रखना है, दो नाम वाला, जेनरिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, आज के डाउट कुछ होने की बात ही नहीं है। फिर भी अगर कुछ आपको पूछना हो, कुछ भी जानना हो तो कमेंट कीजिए, या नहीं तो वो व्हाट्सएप प्रॉब्लम डेस्क है उसमें पूछिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिम्स के बारे में, यानी ऑर्गेनिम्स को हम क्लासिफाई करना स्टार्ट करेंगे कि कैसे क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिम्स हैं, सबको स्टडी करना है, तो अलग अलग तो स्टडी नहीं करेंगे, सबको अलग अलग स्टडी करना हमारे बस की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, नहीं करते हैं, सारा कुछ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।